हेलो, आई एम नोफिल नकवी और मैं आपको आज कैमरे की बेसिक टेक्निक और थ्योरी के बारे में समझाऊंगा। ये एक DSLR कैमरा है और जो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा वो किसी भी वीडियो कैमरे में भी अप्लाई की जा सकती है। नाउ पहले हम लोग जो हैं फिल्म के ऊपर शूट किया करते थे बिफोर वीडियो वॉज इन्वेंटेड, और वही फिल्म की जो बेसिक टेक्निक्स हैं और थ्योरीज हैं वो वीडियो कैमरास में भी अप्लाई होती हैं। ये एक DSLR कैमरा है, आप वीडियो कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब आप शूट पे निकलें तो आपकी बैटरी चार्ज हो और आपके कार्ड के अंदर जो भी डेटा है वो कॉपीड हो और आपका कार्ड फॉर्मेटेड हो, बैटरी चार्ज हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू कैमरा टेक्निक। बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं कि लाइट जो है, जो सब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस के अंदर जा रही है, और लेंस के थ्रू जो इस कैमरा में सेंसर, जहाँ पहले फिल्म हुआ करती थी वहाँ अब सेंसर होता है, सेंसर के ऊपर जा रही है। सेंसर जो है वो डेटा रीड कर रहा है और वो उस कार्ड के अंदर स्टोर किया जा रहा है। तो जो लाइट जो इस लेंस के थ्रू आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो तीन बेसिक क्या कहते हैं वेरिएबल्स हैं, जिनको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले है ISO। नाउ ISO हुआ करता था जो फिल्म की जो सेंसिटिविटी होती थी उसको ISO का लेवल कहा जाता था, यानी कि जो सबसे कम सेंसिटिव जो फिल्म होती थी जो कि डे लाइट में यूज़ की जाती है वो थी ISO 100, मतलब स्टैंडर्ड, मतलब और भी होती थी लेकिन स्टैंडर्ड जो थे उसमें से ISO 100 वॉज़ यूज फॉर डे लाइट। और जैसे जैसे आप डार्कर एनवायरनमेंट में शूट करने जा रहे थे विदाउट द यूज़ ऑफ लाइट्स और विद यूज़ ऑफ लिटिल लाइट, तो ISO का नंबर बढ़ता चला जाता था। तो इस कैमरे के अंदर भी ISO है। अगर मैं डे लाइट में शूट करूँगा तो ISO 100 में करूँगा, और इंडोर शूट करूँगा तो ISO 1600 तक मैक्सिमम है। उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको ग्रेन नज़र आएगा। वीडियो कैमरास में जहाँ पर यहाँ पर ISO कहा जाता है वीडियो कैमरा में, वही चीज़ जो है वो गेन से समझी जाती है। लेकिन गेन का यह है कि गेन जब ज़ीरो से ऊपर चला जाता है तो आप यूँ समझिए कि जैसे ISO जो है वो तकरीबन 800 से ऊपर चला गया है। तो गेन तो तकरीबन आप यूज़ नहीं करें तो बेहतर है। ISO जो है वो 800 टू 1600 मैक्सिमम जो है वो सेफ़ है। ISO बेसिकली क्या कर रहा है कि आपके जो सेंसर है उसकी सेंसिटिविटी को उसी तरह कंट्रोल कर रहा है जिस तरह फिल्म की सेंसिटिविटी कंट्रोल होती थी। और जहाँ जब हाई ISO की फिल्म यूज़ की जाती थी तो ग्रेन बढ़ जाता था, और एंड द सेम थिंग हैपन्स विद दीज कैमरास इज दैट द ग्रेन गोज अप, दैट्स ISO। अब दूसरी चीज़, दो अलग और चीज़ें हैं जो कि एपर्चर और शटर स्पीड है। एपर्चर जो है, अब जैसे ये इसका इस लेंस के पीछे एक शटर होता है जो खुलता है जिसके थ्रू लाइट अंदर जाती है, तो उस शटर की जो डायमीटर होता है वो एपर्चर कहलाया जाता है। जितना ज़्यादा शटर खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, और जितना कम होगा तो उतनी कम लाइट जाएगी। तो जब आपको ऐसी एनवायरनमेंट में शूट करना है जहाँ पर लाइट कम हो तो आपने एपर्चर ज़्यादा से ज़्यादा खोलना होगा। एपर्चर जितना ज़्यादा खोलेगा और तो एफ़ स्टॉप का जो नंबर है वो उतना कम होगा। तो जैसे ये जो मेरी लेंस है इसका मिनिमम एफ़ स्टॉप जो है वो 1.8 है। तो 1.8 पे जब मैं शूट करूँगा तो उस वक्त लाइट सबसे ज़्यादा अंदर जाएगी। लेकिन और उसका एक दूसरा इफ़ेक्ट होता है, वो ये है कि डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो भी एपर्चर से कंट्रोल होती है। तो अगर 1.8 पे मैं शूट करता हूँ उससे मुझे मिनिमम डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। तो उससे फिर ये होता है कि जो मेरा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं फोकस करूँगा वो इन फोकस होगा, और उसके आगे और पीछे जो कुछ भी होगा वो आउट ऑफ फोकस होगा। तो अगर मुझे अपना सब्जेक्ट भी दिखाना है और उसके अराउंड एनवायरनमेंट भी दिखानी है तो फिर मुझे ये करना होगा कि मैं जैसे अपने ISO अगर बढ़ा दिया और एफ स्टॉप जो है वो भी बढ़ा दिया, यानी कि ISO का नंबर मैंने बढ़ा दिया और एफ स्टॉप का नंबर भी मैंने बढ़ा दिया, तो उससे फिर ये क्या होगा, डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी
और मैं एनवायरनमेंट भी अच्छी तरह दिखा सकता हूँ और अपने सब्जेक्ट को भी दिखा सकता हूँ. लेकिन जहाँ पर मुझे जहाँ पर एनवायरनमेंट मैटर नहीं करती, जैसे अगर आप एक घर के अंदर शूट कर रहे हैं या बैकग्राउंड इतना कोई ख़ास नहीं है, तो फिर आप अपना एपर्चर को मिनिमम रखें, क्योंकि वो जो एक इफ़ेक्ट होता है जिसके अंदर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की चीज़ें जो हैं वो ब्लर्ड होती हैं, वो लोगों को अच्छा लगता है. अच्छा, तीसरी चीज़ शटर स्पीड. नाउ शटर स्पीड जो है वो बेसिकली एक और फिल्म का कॉन्सेप्ट है. वो ये था कि हम हर जो जैसे पैल की जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो नॉर्मल फ्रेम रेट है वो है 25 फ्रेम्स पर सेकंड. यानी कि जब फिल्म जब रोल होती थी वो होती थी 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे. तो वो हर फ्रेम जो होता था फिल्म का वो कितनी देर तक एक्सपोज होता था, उसको कहते थे शटर स्पीड. नाउ इसमें एक्चुअली कोई शटर जो है वो तो खुला हुआ ही है, लेकिन हर फ्रेम को कितनी देर तक एक्सपोज करता है वर्चुअली, वो शटर स्पीड को कहा जाता है. और इसमें आप मिनिमम शटर स्पीड इस कैमरे में 30 रख सकते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको ब्राइटनेस नज़र आएगी, या हो सकता है कि थोड़ा सा फास्ट मूविंग अगर ऑब्जेक्ट्स हों तो आपको हल्की सी उसमें से उसकी एक ट्रेल नज़र आए. लेकिन आप अगर ब्राइट एनवायरनमेंट में हैं तो आप अपनी शटर स्पीड हाई रखेंगे, क्योंकि बेसिकली 30 का मतलब होता है 1/30, और उसको हाई अगर आप करना चाह रहे हैं तो 1000 तक अगर जैसे आप जाएंगे तो दैट्स एक्चुअली 1/1000 ऑफ अ सेकेंड. सो एवरीथिंग इज़ रिवर्स इन कैमरास, लेकिन थोड़ा सा आप यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे ये बेसिक टेक्निक्स. अच्छा, फिर वाइट बैलेंस है. नाउ द कैमरा डज नॉट नो कि ये जो सामने कोई भी जो आपके कलर जो आपको नज़र आ रहा है वो एक्चुअली कलर है क्या, क्योंकि हर एनवायरनमेंट में लाइट का जो शेड होता है वो डिफरेंट होता है. जो सनलाइट होती है उसका एक बहुत ज़्यादा एक ब्लू किस्म का कलर कैमरा कैप्चर करता है. जो आम घरों के अंदर जो टंगस्टन लाइट्स होती हैं उसका एक बहुत येलो कलर होता है. तो इंसान की स्किन जो होती है और अलग अलग जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स डिफरेंट जैसे कपड़े हैं या जो कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ का कलर जो है वो चेंज हो जाता है ड्यू टू द एनवायरनमेंट, द लाइटिंग ऑफ द एनवायरनमेंट. तो कैमरे को हमें ये बताना होता है कि वाइट क्या है, और उसके लिहाज से वो सारे जो कलर्स होते हैं वो सेट हो जाते हैं. सो देयरफॉर वाइट बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है. आम कैमरों के अंदर प्रीसेट्स दिए हुए होते हैं, डे लाइट का प्रीसेट दिया हुआ होता है विच इज़ यू नो विच यू नो इज़ कन्फिगर टू दैट ब्लू काइंड ऑफ लाइट. टंग स्टैंड का एक प्रीसेट दिया हुआ होता है, यूजली उससे काम चल जाता है. इन कैमरों में एक और भी फंक्शन ये होता है कि आप उसको मैन्युअली सेट कर सकते हैं. अच्छा, मैन्युअल सेट करने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? डे लाइट का कलर टेम्परेचर, कलर का जो टेम्परेचर होता है वो होता है केल्विन्स के अंदर मेजर होता है. तो डे लाइट का कलर टेम्परेचर यूजली 5600 से लेके 6000 तक होता है, और टंगस्टन की जो लाइट है उसका जो कलर टेम्परेचर है वो है 3200 केल्विन्स. सो गोइंग फ्रॉम 3200 टू 5600, अगर थोड़ी सी मिक्स लाइटिंग है तो उसके बीच में आप सेट कर दें, लेकिन जो प्रीसेट्स होते हैं वो भी यूजुअली ठीक होते हैं. अच्छा, ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? सबसे अहम चीज़ ये है कि आपको ये सारी चीज़ें मैन्युअली करना आना लाजमी है. अगर आप कैमरे की सेटिंग्स ऑटो पे छोड़ने के आदि पड़ जाएंगे तो कभी ना कभी आपको ऐसा होगा कि धचका लगेगा. जैसे बैकग्राउंड जो है आपका ब्राइट था और आपने सब्जेक्ट को उसके सामने शूट करके एक बड़ा अच्छा एक आपने इंटरव्यू शूट किया, लेकिन कैमरे ने ऑटोमेटिकली जो एक्सपोजर जो सेट किया वो बैकग्राउंड के हिसाब से कर दिया और आपका सब्जेक्ट इतना डार्क है कि वो नज़र ही नहीं आ रहा. सो ऑन सो फॉर यू कैन हैव ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू गो विद ऑटोमेटिक सेटिंग. देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये मैन्युअली हर चीज़ को सेट करें. That's all for today, and I'll give you next time. There's going to be a lecture about framing technique. Thank you.